हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से तीन बहुत ही स्पेशल और झटपट मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए। वैसे बहुत कॉमन सी हैं, लेकिन आप लोग कई बार बना चुके हैं, मेरे स्टाइल में पहली बार बनाएंगे। सरसों का तेल अच्छे से डाला है मैंने, आधा कप के जितना। उसमें मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल कुटा और भुना हुआ धनिया, ज़ीरा, हींग, मेथी दाना, इतनी चीज़ों का तड़का लगाया, अच्छे से उसको तड़कने दिया। उसके बाद मैंने जो है तीन जो है मीडियम साइज़ के प्याज़ों को ऐसे लंबा लंबा काट के, आप एक आध और भी ले सकते हैं, कि जो डिश बन रही है इसमें प्याज खूब अच्छे लगते हैं। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर हल्का गुलाबी कलर आने तक भूनना है। यहाँ पर करेले मैं बना रही हूँ, करेलों को अच्छे से कट कर लिया है और आधा घंटा नमक और हल्दी लगा के इन्हें रख दिया था। एक तरह से इनको मैरिनेट किया जाता है ताकि इनका कड़वापन निकल जाए। और उसके बाद अच्छे से वॉश करके हम लोग इस प्याज में ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो सारे करेलों को मैंने ऐड कर दिया है प्याज के साथ में अच्छे से। आप प्याज का कलर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बस हल्का हल्का गुलाबी कलर आने तक ही भूनना होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। आप इतने, ये 400 ग्राम करेले हैं, इनमें आप एक आध प्याज और डाल सकते हैं, जितना प्याज इसमें अच्छा लगता है ज़्यादा सा। थोड़ा सा आधा चम्मच बस मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/3 चम्मच मैंने डाला हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के जितना थोड़ा सा मैंने नमक डाला। स्वाद अनुसार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे 1/2 से 1 चम्मच आप अमचूर पाउडर डालिए, और कोई भी खटाई आपको डालनी पड़ेगी, या तो आपके पास कैरी है कच्ची अमियाँ, तो इतने में 2-3 अमियाँ छोटे छोटे वाली चली जाएंगी। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कड़वापन एकदम ख़त्म हो जाता है। इसको ढक देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पानी ऐड नहीं करेंगे अगर नीड नहीं है, बीच बीच में चलाते हुए देखते रहेंगे, हमारे करेले बढ़िया से गल जाएं बस। और ऐसे ही खिले खिले एक एक रहेंगे ये, इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने एक बार मिक्स कर लिया है और ये एकदम पक्के तैयार हैं। 2-3 मिनट और मुझे पकाना पड़ा और हमारे बहुत ही प्यारे से खिले खिले करेले की भुंजिया सब्जी कह लीजिए, या प्याज करेले की सब्ज़ी एकदम तैयार है। बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी है, कम मसालों के साथ में बहुत टेस्टी और झटपट बन जाने वाली करेले की सब्ज़ी। चलिए अब एक और डिश बनाते हैं कच्चे आम की चटनी। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक का छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का प्याज बस लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने लिए हैं, बहुत छोटी छोटी अमियाँ थी तो मैंने 3 लिए हैं, और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ली है मैंने, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, और इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसका एक बढ़िया सा चटनी बना लेंगे। तो ये चटनी आप ज़रूर बना के देखिएगा, ये इतनी टेस्टी बनती है, पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल या किसी भी खाने के साथ सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं आप लोग, साइड डिश के रूप में ये बहुत टेस्टी लगती है। पकौड़े वकौड़े सबसे अच्छी लगती है, यहाँ मैं गरम गरम रोटी घी लगा के, मुझे चटनी के साथ बहुत पसंद है। चलिए अब बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता, वो भी बिहार स्टाइल। तो वैसे तो उसको उखले पर इस तरह से भूना जाता है, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं है तो मैं अपने नॉर्मली गैस पे ही कर रही हूँ। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है, कट लगा के उसके अंदर लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से भूनना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए साथ में मैंने, और ये जो है इसमें आलू भी पड़ता है लेकिन मैं विदाउट आलू बना रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेंगे, बीच में चेक कर लेंगे कीड़े वीड़े तो नहीं है, और अच्छे से ये देखिए हमने छील भी लिया है बैंगन और टमाटर को, और यहाँ पे एक ट्रे में मैंने रख दिया है उसको इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ा सा 4 से 5 लहसुन बारीक बारीक और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डाला है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, और जो इसमें लहसुन डाला था वो ऐसे मैश हो गया। और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला है, क्योंकि मैं चोखा या बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, उस हिसाब से थोड़ा सा नमक लिया है मैंने, लगभग 1/2 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1/4 चम्मच नाम के लिए, और थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेशन के लिए। थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ, डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बैंगन थोड़ा बादी होता है, तो मैंने थोड़ा सा हींग डाला है यहाँ पे, और थोड़ा सा जो है 1 से 2 चम्मच आपको सरसों का तेल ज़रूर डालना है। ये बिहार के जो बैंगन का चोखा होता है उसकी स्पेशलिटी है, ये लोग कच्चा सरसों का तेल डालते हैं, इससे बहुत टेस्टी ये लगता है। एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई, आप लोग कर लीजिएगा, सूखी लाल मिर्च का अचार डलता है, वो थोड़ा सा इसमें डाल लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और नींबू, चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप। 2-3 चीज़ें मेरे पास मिसिंग थी, फिर भी मैंने बनाया।
बहुत अच्छे से या तो मैशर की हेल्प से या हाथों से, सबसे बेस्ट होते हैं हाथ, बढ़िया से मैश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। हमारा बहुत टेस्टी बैंगन का भरता तैयार है बिहार स्टाइल, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तीनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, बना के ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।